अगर आपको फोटोग्राफी का कोई भी असाइनमेंट चाहिए अब आगे चल के 2021 में, देन गेट वैक्सीनेटेड। सो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। और 6 महीने पहले मैंने जो शूट किया था अक्टूबर में ऑलमोस्ट एयरफोर्स डे हिंडन गाज़ियाबाद में, तब मैं घर से बाहर निकला था, बाहर इन द सेंस अपनी सोसाइटी के बाहर निकला था। और आज 6 महीने के बाद मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। इसका नेचुरल रीज़न है एक डर, जो कि हम सभी उस डर से बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो डर किस चीज़ का है। बट मैं आज ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरी नज़र सड़क पे ही रहेगी इसलिए मैं कैमरे की तरफ ज़्यादा देखूँगा नहीं, बट मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मैं दिल्ली मुझे जाना पड़ रहा है, आई हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स एट हंगेरियन एम्बेसी, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और ये पूरे लॉकडाउन के बाद अब थोड़ा ईज आउट हुआ है इसलिए एम्बेसी भी खुली है, एम्बेसी अभी तक बंद थी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से, तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने थे इसलिए मैं जा रहा हूँ। सो थोड़ा अर्जेंसी है वर्क की इसलिए जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ अभी भी थोड़ा सा डर तो है ही घर से बाहर निकलते में कि यू नेवर नो, एवरी सिंगल डे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग आपका चाहे हल्का सा हेडेक हो रहा हो या थोड़ा ज़ुकाम हो रहा हो तो थोड़ा डर बैठ ही जाता है, और फिर यू जस्ट वेट फॉर दैट थिंग टू गो अवे एंड टू एनालाइज कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। सो फॉर्चुनेटली मैंने आई गॉट वैक्सीनेटेड, और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि 2021 में अगर सब कुछ नॉर्मलाइज्ड हो जाता है, थिंग्स अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं सारी और काम का चालू हो जाता है, सो मुझे लगता है जो भी मेरे फोटोग्राफर भाई हैं, जो भी फिल्म मेकर्स हैं, जो भी फ्रीलांसर्स हैं, अगर आपको काम चाहिए तो बॉस फटाफट वैक्सीनेशन करवा लीजिए अपॉइंटमेंट लेके, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कल की बात है मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया और उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर बोथ द डोजेस। अब ऑब्वियसली बात है मेरा जो मैंने जो वैक्सीनेशन लिया है फर्स्ट डोज उसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 मंथ्स कर दिया है अब टाइम ड्यूरेशन, जो कि हर हफ्ते चेंज हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी रीजंस हैं आई एम श्योर वैलिड रीजंस होंगे। तो मैं अभी अपने टर्न का वेट करूंगा अपॉइंटमेंट का और तभी सेकेंड डोज लूँगा, और जब सेकेंड डोज लूँगा देन आई विल शेयर दैट सर्टिफिकेट विद माई क्लाइंट एंड देन आई विल बी अलाउड एट देयर प्रेमाइसिस टू डू एनी काइंड ऑफ शूट्स इन फ्यूचर। और ये रिक्वायरमेंट मुझे लगता है धीरे धीरे सारे कॉरपोरेट में, सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाएगी, बिकॉज अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट करवा रही हैं, जो मेरी नज़र में या जो मेरे नेटवर्क में लोग हैं उनके कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने तो करवाना चालू कर दिया है। सो आई एम श्योर कल को कोई शूट होता है या कोई भी छोटा मोटा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जब थिंग्स नॉर्मलाइज हो जाएगी, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो आई एम श्योर उनकी पहली रिक्वायरमेंट होगी कि कोई भी अगर बाहर से आ रहा है बंदा या बंदी तो वो वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि कंट्रीज़ ने तो स्पेसिफिकली ये कर दिया, यूरोप वगैरह में तो ये हो गया है कि इफ़ यू वांट टू ट्रैवल यू हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, अभी आप देखेंगे पिछले 1 साल से हर कोई डॉक्टर बना फिर रहा है यूट्यूब पे, एवरीबडी इज़ शेयरिंग देयर ओन यू नो नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे टू ट्रीट कोविड, बट इवेंचुअली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लिसन टू योर डॉक्टर्स, दैट्स इट पीरियड। साइंस पे भरोसा रखिए। कई लोगों को कई मिथ्स हैं वैक्सीन्स को लेके, अब मैं यहाँ पे बैठ के वैक्सीन्स की मिथ्स दूर नहीं करूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वैक्सीनेट करवा लीजिए अपने आप को हेल्दी रहने के लिए, और अगर आपको आगे काम उठाना है, मैं इवन उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरी नज़र में आया है, क्योंकि मेरे सर्कल में कुछ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स हैं,
कि क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट पुट करी है कि 2-3 महीने बाद जो इंगेजमेंट शूट होने वाला है उसमें दे प्रेफर अ वैक्सीनेटेड टीम. और ये एक बहुत 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 बड़ा एडेड एडवांटेज हो सकता है उन फोटोग्राफर्स के लिए, ट्रस्ट मी, जो वैक्सीनेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू दोज फोटोग्राफर्स जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उस ड्यूरेशन में. अगर आप इसको कुछ इस तरीके से भी देखें कि आप फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लेते हैं, उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा फॉर योर सेकेंड डोज. मतलब ये है कि वो जो 3 महीने हैं आपके लिए, वो जो स्पैन ऑफ 3 मंथ्स हैं, वो जो गैप है, वो बेसिकली आप कुछ कर नहीं सकते. अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई दोनों वैक्सीनेशन होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो आप उस ड्यूरेशन में कुछ कर नहीं सकते. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज होने का वेट कर रहे हैं और देन यू वांट टू गेट वैक्सीनेटेड, तो बॉस आप ये सोचिए जब चीज़ें नॉर्मल होंगी, अभी कह रहे हैं कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, फिर आप वैक्सीनेट करवाएंगे, फिर आप 3 महीने और वेट करेंगे टू गेट द सेकेंड डोज, तो ऑलमोस्ट आधा साल तो ऐसे ही निकल गया आपका. तो अगर अभी आप लोगों को कोई भी मौका मिल रहा है टू गेट वैक्सीनेटेड, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है जो भी पोर्टल्स हैं उनके थ्रू, गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल, ताकि सेकेंड डोज भी आप जल्दी से जल्दी करवा लें और जैसी ही चीज़ नॉर्मलाइज हो, आप एटलीस्ट, आपको बाकी फोटोग्राफर्स और बाकी फ्रीलांसर्स जो वैक्सीनेशन नहीं करवाने की इच्छा रखते हैं, आई डोंट नो व्हाई, उनके कंपैरेटिवली आपको एक एज ज़रूर मिल जाए. अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो जो वैक्सीनेशन है दैट इज़ नॉट यू नो कंपल्सरी, बट इट्स ऑप्शनल. बट मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें कुछ इस तरीके से सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि लोगों को लगवाना ही पड़ेगा. जो लोग नहीं भी लगवाना चाह रहे हैं उनको लगवाना ही पड़ेगा, बिकॉज दे इफ दे वांट टू वर्क इन सर्टन एनवायरनमेंट, वो शायद वर्क रिक्वायरमेंट ही ऐसी हो जाएगी कि आपको वैक्सीनेशन के बिना वो काम दिया ही नहीं जाएगा. तो जो लोग इस डर से नहीं लगा रहे हैं कि वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट होंगे, या यू नो मैंने तो यहाँ तक सुना कुछ लोगों से कि वैक्सीन्स लगाने के बाद डेथ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. सी मैंने वैक्सीनेशन करवाया था, मेरी वाइफ ने वैक्सीनेशन करवाया था, मेरे सर्कल में कई लोगों ने वैक्सीनेशन कराया. 1-2 दिन तबीयत ज़रूर थोड़ी सी ढीली होती है, थोड़ा सा आप लेज़ी फील करते हैं, थोड़ी थकान होती है, कुछ लोगों को बुखार भी चढ़ा, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं चढ़ा. बट चीज़ें यह हैं, एक सुई से अगर आपको 1-2 दिन की तकलीफ़ हो रही है, दैट इज़ फाइन. बजाय इसके आप अगर वो सुई नहीं लगवाएंगे, और अगर आपको कोविड हो गया तो आप सोच लीजिए कितनी सुइयाँ आपको लगवानी पड़ेगी. तो बेटर है वो एक सुई आप लगवा लें और टेंशन फ्री रहें. टेंशन फ्री से मेरा मतलब ये नहीं कि बिना मास्क के आप घूम रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले एरिया में अभी भी जा रहे हैं. अवॉइड दैट अनलेस एंड अंटिल एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज़ उस चीज़ को ईज आउट नहीं करते या कुछ नए रेगुलेशंस नहीं लाते. आप मुझे भी देख रहे हैं, आई एम वैक्सीनेटेड बट स्टिल आई एम वेयरिंग माय मास्क, आई एम वेयरिंग माय सनग्लासेस, नॉट टू शो ऑफ बट जस्ट कि मुझे फेस शील्ड अभी नहीं लगानी पड़े, इसलिए मैं सनग्लासेस लगा के रखा हुआ हूँ. बट पॉइंट मेरा ये है कि डोंट टेक इट वेरी लाइटली. वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ नॉट फॉर योर हेल्थ. अगर आपको आपकी हेल्थ की चिंता नहीं है कोई बात नहीं है, बट दूसरों की हेल्थ के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, अगर आपको आगे चल के आने वाले महीनों में या साल में आपको काम उठाना है, तो मुझे लगता है वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन बनने वाली है आगे चल के. और अगर आप अभी इस चीज़ को कर लेते हैं तो यू विल सेव रियली ऑन यू नो लॉट ऑफ टाइम. और बाकी जैसे कि मैंने बोला, बाकी फोटोग्राफर्स जो आपके कॉम्पिटिशन में हैं जो नहीं लगवाएंगे वैक्सीन्स, उनके ऊपर आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है. सो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था भाई और बहनों, बिकॉज आई थॉट मैं जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव है, कुछ थॉट्स शेयर करने चाहिए, ऐसे दिमाग में आया और मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए. अगर आप वाकई में मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं और वाकई में लगता है मैं जो भी आपसे बातें करता हूँ वो बहुत जेन्युइन बातें करता हूँ, तो ये मेरी सलाह ज़रूर मानिए आप, गेट वैक्सीनेटेड. मैं हंगेरियन एम्बेसी क्यों जा रहा हूँ इसके ऊपर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे. और मैं आपसे बता दूं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था एपिसोड नंबर 8 ट्रैवल फोटोग्राफी कोर्स में, कि काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले साल में. और अगर चीज़ें एज़ पर प्लान चली और ये सिचुएशन थोड़ी सी सबड्यूज हुई, बेटर हुई कोविड की, देन आपको काफ़ी एक्साइटिंग कॉन्टेंट देखने को मिल सकता है THC चैनल पर. एंड आई विल कीप यू पोस्टेड.
मीनवाइल अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कहनी चाहिए, मेरे थॉट्स अच्छे लगे, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ.